जय श्री राम मित्रों। यदि कोई व्यक्ति प्रश्न बार बार आ रहे हैं, पूछ रहा है कि योग के 8 अंग कौन से हैं, यदि कुंडलिनी जागरण करना चाहें तो कौन से पुराने जमाने से आने वाले कौन से ऐसे उपाय हैं जो करने से हमारा कुंडलिनी जागरण का जो सपना है वो पूरा हो सकता है, तो उसके लिए अष्टांग योग होता है। अष्टांग योग में आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, अनेक प्रकार के ऐसे साधन हैं जो आपको योग के माध्यम से जुटाने पड़ेंगे, जिसके माध्यम से आप अष्टांग योग के माध्यम से जब इस प्रकार से खाने पर योग के द्वारा अलग अलग साधनाएं करते हैं तो आपकी जो सर्पिणी कुंडली मार करके ढाई कुंडली के रूप में आपके मूलाधार केंद्र पर जो बैठी है, वह सर्पिणी जब ऊपर की ओर उठेगी, मुंह पर की ओर उठा करके ऐसे लहरा करके ऊपर की ओर चलेगी, तब आपको कुंडलिनी जागरण के अनुभव आरंभ हो जाएंगे। आपके चक्रों का बहुत ज़्यादा आरंभ हो जाएगा, शक्तियों का संचार होगा। ऐसी साधनाओं के लिए आप जुड़ सकते हैं बाबा के दरबार से। बाबा बालाजी मेहंदीपुर घट्टा वाले हनुमान जी ऐसे हैं जो जल्द से जल्द कुंडलिनी जागरण के इस सपने को, जो बहुत व्यक्तियों के द्वारा सोचा विचारा, साधना भी की जाती है परंतु प्राप्त नहीं होता। कुंडलिनी जागरण बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बहुत ही असाध्य विषय है लोगों के लिए, क्योंकि इस नाम पर, कुंडलिनी जागरण के नाम पर बहुत लोग लूटते हैं कि हम ये मंत्र देंगे आपका चक्र जागृत हो जाएगा, हम ये करेंगे आपका चक्र जागृत हो जाएगा, आपको तुरंत सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी, परंतु ऐसा सिर्फ हनुमान जी की कृपा से या आपके आराध्य देविष्ट देव की ही कृपा से संभव है। इसके लिए आप किसी भी अन्य बात पर ज़्यादा लुटने या पैसे प्रदान करने का प्रयास ना करें। सिर्फ आपकी ही साधना आपको, या सिर्फ आपके गुरु का, या किसी सच्चे सिद्ध साधक का, या आपके इष्ट देव का ही आशीर्वाद आपको इष्ट साधना में सफल करा सकता है, क्योंकि जिन व्यक्तियों ने इस साधना में सफलता प्राप्त की है वही आपको उस साधना के विषय में बता सकते हैं। जो चाटुकार हैं सिर्फ बातों से ही खा रहे हैं, जो बातों को इधर उधर से कुछ पढ़ करके और कुछ बातें बहला फुसला करके लोगों को मानसिक तौर पर हर लेते हैं उनकी मानसिकता और उन्हें अपने जाल में फांस लेते हैं, उनसे आप सावधान रहें। आपकी साधना ही आपके काम आएगी। पुरानी बुजुर्गों की कहावत है, आपा मरे बिना स्वर्ग किसी ने नहीं देखा। जो कहते हैं स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, तो खुद मरोगे, उसके बाद आत्मा का गमन होगा, वो नरक में होगा या स्वर्ग में होगा, वो खुद ही देखा जाता है। दूसरे व्यक्ति के कहने से ना स्वर्ग का आनंद मिल सकता है ना ही नरक का। और जैसे कोई गूंगा व्यक्ति गुड़ खाए तो वह वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे आप अपने ही अनुभवों से कुंडलिनी जागरण को पहचान सकते हैं। उसके क्या संकेत होंगे कि आपकी कुंडली जागरण हो गई है, उसकी भी अन्य वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। कुंडली जागरण कैसे करें, वह भी साधना हमारे चैनल पर है। कुंडली जागरण में आपके कौन कौन से अनुभव होंगे, वह भी अनुभव से संबंधित वीडियोज हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो कुंडली जागरण के इस विषय को इतना आसान ना समझें, और किस प्रकार से यह साधना आसान हो सकती है उसके लिए अन्य वीडियोस जरूर देखें। कुंडली जागरण की बहुत ही सटीक साधना होती है, कुछ बीज मंत्र होते हैं हर केंद्र के, किस केंद्र पर कितने पुष्प की श्रृंखला होती है, कौन से रंग होते हैं, किन रंगों से आप उस साधना का संकेत जान सकते हैं कि आपके दीपक में बनने वाले फूल पर क्या संकेत है, दीपक में कौन कौन से रंग आपके उभर कर आते हैं जब आप ज्योत लगाते हैं, तो उन सभी विषयों पर अलग अलग वीडियोज उपलब्ध हैं चैनल पर, आप जरूर देखें। आपके दीपक जो आप प्रज्वलित करते हैं अपने आराध्य देव के चरणों में, उससे भी आपको अनेक संकेत प्राप्त होते हैं। तो उन दीपक में बनने वाले फूल से भी कौन कौन से संकेत आपको प्राप्त होंगे, सैकड़ों वीडियोज हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं जो कि अलग अलग लाखों व्यूज में भी गई हैं, आपकी ही कृपा दृष्टि से, हनुमान जी की कृपा दृष्टि से, गुरुदेव की कृपा से, तो आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। आप अपने किसी भी साधना संबंधी जानकारी के लिए YouTube की लाइव में जुड़ें, इंस्टा आईडी बाबा का आशीर्वाद पर जुड़ें हमसे, दरबार में जुड़ें, शनिवार और इतवार के दिन दरबार लगाया जाता है रोहतक हरियाणा में, और आप व्हाट्सएप नंबर
9467820285 9467820285 पर भी जुड़ सकते हैं, लेकिन पर्सनल पूछा के लिए चार्जेस होंगे, ये आप पहले मन में धार कर ही फ़ोन करें या व्हाट्सएप से जुड़ें। फ्री के लिए आप यूट्यूब की लाइव और इंस्टा आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी साधना के लिए आप जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लगाएं और अन्य वीडियो जो कुंडली जागरण के विषय में हैं उनको भी जरूर देखें। जय श्री राम।